गायिका अलका याग्निक ने सोमवार को अपना 70वां जवान जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक पार्टी का भी आयोजन किया। इस पार्टी के गायक अदनान सामी, सोनू निगम, अनुराधा पोटवाल, गीतकार जावेद अख्तर तो लैके अदाकार गोविंदा, भाग्यश्री, पद्मिनी कोलापुरे ने पार्टी के शिरकत की। इस दौरान सारे सितारों का पार्टी लुक काफ़ी वायरल हो गया है। हर कोई इस लुक न काफ़ी पसंद कर रहा है। आओ पहला देख लें इस पार्टी की झलक। इस दौरान अलका याग्निक ने अपनी धी आयशा कपूर और जवाई अमित देसाई के नाल पार्टी वाली थां ते पोज दिते। अलका याग्निक ने अपने जन्मदिन की पार्टी लई ब्लैक एंड ग्रे गाउन पाया होया सी, जिस विच काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान उसकी बेटी शिमरी ग्रे कलर की ड्रेस के नजर आई, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो नाल ही उन्होंने हसबेंड भी दिखाई दिते, जो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहे थे। इस परिवार ने पेपरेजी नूं निराश नहीं किया, खूब मीडिया लई पोस्ट दित्ते। इस तों बाद इस दीआं तस्वीरां काफ़ी वायरल हो रही ने, जिस नूं फैनस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उत्ते ही गायक उदित नारायण भी अपनी पत्नी दे नाल इस पार्टी दे विच पहुंचे। उदित ने इस दौरान ब्लू शर्ट पाई हुई सी, जिस विच उह काफ़ी हैंडसम लग रहे सी, ते उन्हां दी पत्नी भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही सी। पूनम ढिल्लों भी चमकदार ब्लू कलर के आउटफिट नजर आए। पूनम ढिल्लों का लुक देखने योग से, हर कोई पूनम ढिल्लों के लुक की काफी तारीफ कर रहा है और फैंस पूनम ढिल्लों के लुक नू काफी पसंद कर रहे हैं। गायक राहुल वेदिया भी इस पार्टी के नजर आए। इस दौरान राहुल वाइट आउटफिट दिखाई दिते। राहुल ने अपने फैंस के नाल फोटोज क्लिक करवाईया, पेपरेजी नू भी फोटोज क्लिक करने का मौका दिता। इस पार्टी के रमेश तौरानी भी नजर आए, जो काफ़ी कूल लुक दिखाई दिते। रमेश तौरानी भी अपनी पत्नी के नाल इस पार्टी के पहुंचे हुए थे। इस दौरान इन्होंने दोवों का लुक काफ़ी कूल लग रहा है। इस तो इलावा होर भी कई सितारों ने अलका याग्निक की बर्थडे पार्टी के शिरकत की, उन्हों का भी लुक काफ़ी छाया होया। दस दिए कि गायिका अलका याग्निक के कुल दो राष्ट्रीय फिल्मफेयर अवार्ड्स ने 2022 15.3 मिलियन यूट्यूब व्यूज के नाल अलका याग्निक ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के दुनिया के सब तो वध स्ट्रीम किए गए कलाकारों अपना नाम शामिल कर लिया। फिलहाल आओ एक बार फिर तो देख लें इस पार्टी की एक झलक।